आज प्रदर्शन करने लोग बैठे हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं। दरअसल इनके हाथों में तख्ते हैं और इन्होंने लिखा है कि मृतक आश्रित की नियुक्ति कब तक होगी। इससे पहले भी ये यहाँ पर आए हुए थे और ये परिवहन विभाग के गेट के सामने बैठे हैं। मैं एक बार चाहूंगी अपने कैमरामैन सहयोगी से कि दिखाएं, ये परिवहन विभाग का गेट है और इस गेट के बाहर ये 15 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर ये बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि आखिर मृतक आश्रितों की जो नियुक्ति है वो कब होगी। उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से अलग अलग लोग आए हैं, कुछ महिलाएं भी हैं और तमाम लोग हैं। इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनके मुद्दे क्या हैं। और पिछली बार ये लोग जब प्रदर्शन करने बैठे थे तो इन्हें आश्वासन दिया गया था, कहा गया था कि 15 अगस्त तक आप लोगों को जो है नियुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद इन्हें भूख हड़ताल क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि आज इनके भूख हड़ताल का पहला दिन है और इन्होंने कहा है कि अब जब तक हमारी बातों को नहीं माना जाएगा हम भूख हड़ताल करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम नेहा है। कहाँ से आई? मैं महोबा से आई हूँ। 6 साल से परेशान है, नियुक्ति के लिए सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। ये हमारा तीसरा धरना है, सिर्फ आश्वासन। अब तो हमें विभाग के अंदर से धमकियाँ भी मिल रही हैं कल कि यहाँ से हट जाइए, अगर आप हटेंगे नहीं तो हम आप लोगों की नियुक्ति नहीं होगी। हमारी वीडियोग्राफी भी करवाई गई है। वीडियोग्राफी भी करवाई जी। आप लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, भूख हड़ताल करने का मुख्य उद्देश्य जान सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने हाथों में अलग अलग तख्ते पकड़े हैं और इसमें भी आपने लिखा है कि योगी जी हमारी पुकार है कि बहुत कर लिया इंतज़ार, दया करो अब की बार। क्यों लिखा है आपने? क्योंकि हमको नियुक्ति नहीं मिल रही है, हम लोग सब जगह से हार के आए हैं, सब जगह से सब लोग आवाज़ उठा रहे हैं, कोई मंत्री के पास जा रहा है, कोई नेता के पास जा रहा है कि हमारा काम हो जाए। सारे अधिकारियों से भी मिला गया है लेकिन कहीं से कुछ हो नहीं रहा, कहाँ से होना है ये चीज़ हम लोग भी नहीं समझ पा रहे। जो तो जहाँ से भी होना हो सर, तो ये होना चाहिए हमारी नियुक्ति, बस ये हम मई जून में आप लोगों ने प्रदर्शन किया था अपनी मांगों को लेकर यहाँ बाहर, और आप लोगों की 5 लोगों की डेलीगेशन अंदर बुलाई गई थी और आश्वासन दिया गया था कि 15 अगस्त से आप लोगों को नियुक्ति मिल जाएगी। फिर एक बार फिर आप लोगों को यहाँ सड़कों पर क्यों बैठना पड़ा? तो 15 अगस्त के हम लोग 31 अगस्त तक इंतज़ार किए कि कुछ हम लोगों को सूचना मिले वहाँ से, लेकिन जब कोई सूचना नहीं मिली है तो हम लोग 2 सितंबर से यहाँ फिर से बैठे हैं कि हाँ कोई सूचना ही दीजिए हमें कि आप कब तक आप हमारा हो जाएगा, कहाँ फाइल है, कहाँ पेटका है, क्या है, किसी बात की कोई जानकारी क्यों नहीं, साफ जवाब नहीं मिल रहा है हमको, गोल मटोल जवाब मिल रहा है, तो मजबूरी है हम लोगों की गोल मटोल। 15 दिन से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं? जी हाँ, 16-17 दिन है आज हम लोगों का। तमाम अंदर बड़े अधिकारी आते होंगे, कोई आप लोगों की हालचाल नहीं पूछता, कोई पूछता नहीं है कि आप लोग यहाँ प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? नहीं, हालचाल तो नहीं, लेकिन आप बीच बीच में बुला के ये जरूर कर रहे हैं, धमकी जरूर दे रहे हैं हम लोगों को कि मतलब यहाँ से हम लोग चले जाएँ जो है, वरना हम लोगों के प्रति कार्रवाई हो जाएगी जिससे हम लोगों की नियुक्ति में अड़चने आ सकती हैं, ये बताया जा रहा है। इन्होंने वीडियोग्राफी करवाई है सबकी, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कि भैया कहा गया है कि जो अधिकारी आए थे उन्होंने कहा आप हट जाओ वरना वीडियोग्राफी करा के भाई सबका वीडियो बनवा लेंगे, उनको नियुक्ति में दिक्कत होगी, ये उन्होंने कहा। वीडियोग्राफी करवा ली, ठीक। फिर वीडियोग्राफी जब हुई तो उनसे भाई पूछा कि भाई आप क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा डिपार्टमेंट वाले, वो वीडियो है हम लोग पास से, हम लोगों ने बना लिया था। कहने का मतलब ये है मैम कि देखिए आप 6 साल से हमेशा आप दिखाया करते हो कि जो है हम कर देंगे, ऑप्शन कई थे, इन्होंने करने की सोची नहीं। भाई मानते आप इस डिपार्टमेंट नहीं, कहीं और दे देते जगह, कहीं और तो जगह होती ना, किसी और डिपार्टमेंट में जो आपके अनुदानित होते सरकार के आप कर देते, उसमें भी इन्होंने नहीं किया, उल्टा वो विभाग को ये अनुदान करते हैं सीएम साहब, हमारा विभाग कमा के देता है इनको, ठीक, 200 करोड़ रुपये हर साल इनको जाता है ना, ये भी चीज़ है, ये चीज़ पॉइंट है कि आप भाई 200 करोड़ आप ले रहे हो तो हर साल अगर 5-5 करोड़ रुपये देते रहते आप अनुदान विभाग को, यहाँ से 150 लोगों को आप खपत कर देते उसमें, तो क्या ये संख्या होती? नहीं होती। इन्होंने सोचा नहीं, और हमारे लोगों ने सीएम साहब से भी मुलाकात की है, जाके उनके जनता दरबार में दिया है लेटर, वो लेटर की कॉपी भी हम लोग पास है ना, कई बार मिल चुके हैं, 3-4 बार आश्वासन सीएम साहब का भी है, योगी जी का, तो भैया हो जाएगा। तो आपने पूछा नहीं कि कब होगा? क्या कहते, हो जाएगा, अब हो जाएगा, देखिए कब होता है। 2018 से 2024 आ गया है, इससे पहले भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया था अपनी मांगों को लेकर, तमाम लोग आए हुए थे, अभी तो इससे इधर संख्या थोड़ी कम लग रही है, लेकिन पिछली बार जब आप लोग आए थे भारी संख्या में आए थे, 5 लोगों की डेलीगेशन बुलाई गई थी अंदर, आश्वासन दिया गया था, कहा गया था कि आप लोगों को 15 तारीख से जो है आप लोगों को नियुक्ति मिल जाएगी। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपकी नियुक्ति को अब तक रोक दिया गया? ये जो है विभाग वाले जो हैं बताते हैं, जो ऊपर से रुका हुआ है प्रशासन से, शासन में जाते हैं तो विभाग वाले बताते हैं, ये लोग क्लियर नहीं बता रहे हैं हमारे लोग का काम कहाँ से फंसा है, या तो इन पर दबाव है सरकार का या फिर किसी मंत्री का दबाव है, हम लोग का काम नहीं हो पा रहा, और जब हम लोग की मतलब हम लोग पर दबाव पड़ रहा है यहाँ से हटा लिया जाए, इस पर तुरंत कार्रवाई हो रही है, मुकदमा कर दिया जाएगा, तो हम लोग की फाइलों को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? विभाग की कमी है ना, MD साहब की कमी है या किसी भी अधिकारी की कमी है ना, जब हम लोग पास जो वीडियोग्राफी करा दी जाती है
और जो है विभाग द्वारा जो हम लोग को फंसाया जा सकता है, तो हम लोग की फाइलें क्यों जो है आगे नहीं बढ़ सकती? केस हो सकता है, मुकदमा हो सकता है, तो उसी तरीके से हम लोग की फाइलें भी तो योगी सरकार पास पहुँचानी चाहिए, हम लोग की नियुक्तियाँ करानी चाहिए। जब विभाग 130 करोड़ फायदे में हो गया है तो नियुक्ति अब कब होगी? जब इनका शासन आदेश 2003 का था कि विभाग जब फायदे में होगा तब नियुक्तियाँ होंगी, तो अब क्यों लेट हो रहा है हम लोग का कि ये जो है इंतजार कर रहे हैं कि अगले साल आ जाए, फिर ऑडिट करें, विभाग घाटे में दिखा दें कि जो है कुंभ के मेले में फ्री बसें चला दिए, 10,000 बसें खरीद ली, बस अड्डे बनवा दिए, और जो है पुलिस की जो है वैकेंसियाँ निकाली थी उसमें फ्री चलवा दिए, इसी चक्कर में जो है विभाग घाटे में दिखाएंगे। अब विभाग फायदे में है 2 साल से, 130 करोड़ तो हम लोग की नियुक्तियाँ कराई जाए, नहीं करेंगे तो नौकरी दो या जहर दो। अच्छा, आप लोग भूख हड़ताल का, आप लोगों ने पोस्टर लगाया है कि आप लोग भूख हड़ताल करेंगे, 15 दिन से आपका प्रदर्शन जारी है, फिर आप लोगों को भूख हड़ताल करने की नौबत क्यों आ गई है? मैम, हम लोग 2 सितंबर से लगातार धरने पे हैं और सुनवाई के नाम पे हमें बस आश्वासन ही मिल रहा है, और अंदर से जो भी लोग आ रहे हैं और अंदर बुलाया भी जा रहा है जिनको, उनको बस यही बोला जा रहा है आप धरने को ख़त्म कर दीजिए। किसी न किसी बहाने से वो धरने को ख़त्म करने के बारे में ही बात कर रहे हैं, और हमारा जो नियुक्ति लेने का प्रोसेस है उसके बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है। पहले दिन जब धरने पे हम लोग बैठे थे तो वहाँ से अंदर से अधिकारियों ने ये बोला था कि विभाग जो है पूरा 130 करोड़ के फायदे में है, लेकिन जब कागज़ मांगने की बात आई या उसका एक कोई प्रूफ मांगा गया तो उधर से कोई जवाब नहीं मिला। तो हम किस बात पे इस धरने को ख़त्म करें? आज नौबत ये है कि हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है, इस वजह से हमने इसको भूख हड़ताल में परिवर्तित कर लिया है। हमारे साथ मृतक आश्रित के परिवार वाले, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हमें जो है नियुक्ति पत्र दे दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे और अगर नहीं दिया गया तो हम आगे भूख हड़ताल करेंगे, और इन्होंने भूख हड़ताल की शुरुआत भी कर दी है। इनके भूख हड़ताल का आज पहला दिन है और ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ जो है परिवहन विभाग के कार्यालय के सामने 15 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इनका कहना है कि हमारी मांगों को अगर पूरा कर दिया जाएगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे, और अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा तो हम भूख हड़ताल करेंगे, और भूख हड़ताल से भी अगर नहीं सुना जा रहा है, हमारी मांगों को फिर भी नहीं पूरा किया जाएगा, तो हमें जो है सीधा जहर दे दिया जाए। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है और इस खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।